जैसे दर्द छुपा के बैठे, जैसे कोई जमाना। अरिबा तो आपके घर चली गई, और मेरा अफसोस तो उस वक्त कम हुआ जब मुझे फाहद ने शादी के लिए मारिया का नाम लिया। पूरी प्लानिंग से चल रही है खाला अम्मी, कि नमो खाला फहद के लिए लड़कियां देखेंगी तो फर्स्ट चॉइस तो मैं ही होंगी। मेरे होते हुए तो मारिया को कोई पूछेगा भी नहीं। मारिया और फहद का रिश्ता, क्या बात है। अम्मी अगर आप मुझे छोड़ के गई ना तो मैं मर जाऊंगा। तूने जिद ना छोड़ी ना, हम मर जाएंगे। ठीक है फिर, जो आपको बेहतर लगता है, मुझसे ना पूछ। मान गया, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा जल्दी ही मान गया। शहर वफा में लूट मची है, लिपट वफा में सोग मिले। ऐसे मिलते हमको जैसे कोई अनजाना। मीन, अब असजद की उम्र ना ज्यादा हो गई है। अब खूबसूरत और कम उम्र लड़की, वो भी एक बड़े घर की, मिलना मुश्किल है। क्या भाई, इन लोगों ने इनकार कर दिया? लानत, लानत हो। मैं पूरा यकीन हो गया तुम्हारी गुमान, जरूर तवीज गंडे के चक्कर में थी। उसी ने हमारे असजद की शादी पे बंदिश की हुई है, वो सौरत ने। मुझे भी ना अब यही लग रहा है। अम्मी, वैसे आपने भी डिमांड इतनी ज्यादा रख दी है ना, लड़की यंग भी हो, हसीन भी हो, और फिर पैसे वाली भी हो। डिमांड तो कम ना होगी, चाहे कितने साल ही क्यों ना लग जाए। अफसर ने अमर के लिए जिस तरह का लड़का और फैमिली देखी है, उससे ऊंचे घराने की लड़की लाएंगे हम और पूरे खानदान को दिखाएंगे, फिर चैन पड़ेगा हम। ऐसे कहती तो आप बिल्कुल ठीक है। अंबर के मुंह पे एक करारा तमाचा मारना बड़ा जरूरी है, ना पूरी जिंदगी वो इतराती रहेगी। खैर, आप बस दुआ कीजिए, कोशिश में लगी रहती हूँ। गर्मी किचन में थक गई होगी ना मेरी बच्ची। हाँ जी, अब जब तक मारिया मैंने का शिफ्ट नहीं हो जाती ना, खाला में ऐसी रोज दावते करती रहेंगी इनकी। और क्यों ना करें, शादी में एक पाई भी नहीं खर्च होने दे रहे इनकी, कैश लेने से भी सख्ती से मना कर दिया। अब समझ आई आपको, पता लगा कि आपकी बड़ी बाजी ने अपना उल्लू सीधा करवाया है। उनको नूर से नहीं, अपनी बेटी से मतलब था। देख तो मैंने लिया था, लेकिन सही बताओ, मेरा दिल नहीं मानता। क्योंकि आपकी बहन ने आपकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई चालाकी से, इसलिए। वैसे मी, मुझे आपकी समझ नहीं आती, आपको क्यों यकीन नहीं आ रहा है। याद करें, जब फाद ने मेरे लिए प्रपोजल भेजा था तो खाला अम्मी ने फौरन मेरे लिए रोना डाल दिया था कि नहीं। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन वो तो रेहान की। रेहान सोबिया बच्चों की कब्र पकड़े बैठे थे वो, मेरे अरमानों का जनाजा पढ़ते ही सुकून आ गया। ड्रामे, ये सब के सब ड्रामे। फिर तो ये तुम्हारा कमाल हुआ ना बेटा। कोई कमाल ममाल नहीं है, रेहान की शादी किसी लड़की से भी हो जाती, उनको सुकून आ जाना तो उनके ड्रामे खत्म हो जाने थे। आप और उज्मा भाभी भी तो लड़की देख रही थी ना, उनके लिए मिल जाती, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि खाला अम्मी को मैं चाहिए थी, अपनी बेटी का रास्ता जो साफ करना था। अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया। भूल जा बेटा, भूल जा। ना मैं भूलूंगी और ना किसी को भूलने दूंगी।
जो होना था वो तो हो गया, लेकिन जो होना है वो भी हो के ही रहेगा। ये देखें कैसा है। अरे तो बहुत खूबसूरत। अच्छा है ना। अच्छा नायमा खाला के लिए तो मैंने सोचा है कि जहाँ से मारिया का ब्राइडल ड्रेस ऑर्डर किया ना वहीं से ऑर्डर कर देंगे, लेकिन वो तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। तो क्या हो गया अम्मी, एक ही तो बहन है हमारी, क्या उसकी सास को आम सी पहनाव नहीं देंगे। अरे बा बेटा, शादी ब्याह में और भी खर्चे होते हैं। तो खाला अम्मी हो जाएंगे ना खर्चे, आपकी टेंशन ले रही है हम, है ना। अपने लिए तो मैंने सोचा है कि बच्चों की बरी और जहेज के कपड़ों में से ही बनवा लूंगी। लेकिन मारिया के लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए बस। हाँ रह गए ये भी, और बैठो यहाँ पे। देख रही हूँ अम्मू, कहा कि शाम तक तैयार है ना, अब बच्चों को याद करें वहां जाएंगे। अब एक तो मैं जबरदस्ती जा रही हूँ और दो घंटे हो गए आके नहीं दे रही। अपना कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगी। हाँ रहने दो, कोई जरूरत नहीं है जाने की। तुम्हारा ससुर और बाकी फैमिली ना इन प्रपोजलों में एक्सपर्ट है। बच्चे याद आ रहे हैं अब्बा को, एक फ्लोर तक तो दिया ना गया बच्चों को, सब दबाए बैठे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बातों बातों में ना जता दीजिएगा इंकसार को ये बात। हाँ बेबी, इंकसार का एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ? मेरी नजर खा गई मेरे बच्चों को, हमें बच्चों को देख लो, छोटे को देख आ गई, इनको देख लूंगी बेटा, तो फिक्र न कर। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? साले तो मैं तो घर पे नहीं है। मुझे पता, इसलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। क्यों? देखो अम्मी और खाला दोनों शॉपिंग पे निकली, तो हम शुक्के से चलते हैं, लंच करके आते हैं। नहीं सॉरी, मैं इस तरह विदाउट परमिशन नहीं जा सकती हूँ घर से। परमिशन? वो दोनों कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगी यार, वो तो हमारी निकाह को भी मंगनी ही तरह समझती हैं। नहीं मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे ये सब अच्छा लगता है। देखो मेरी अम्मी ने मुझे शुरू से एक चीज बोल दी थी कि वो मेरी शादी अपनी पसंद से करें, तो मैंने कभी किसी लड़की को इस नजर से नहीं देखा। और मुझे लगता है कि किसी से प्यार करके उसका दिल दुखाना एक धोखा होता है। लेकिन हमारा निकाह हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि शादी में जितने दिन रह गए हैं हम दोनों के बीच नॉर्मल एक रिलेशनशिप वाली चीज़ें हो। सो प्लीज सॉरी मैंने डिस्टर्ब कर दिया आप लोगों को। भाभी मुझे आपसे बात करनी। वो वाबट परवेज, हाँ इनके साथ अजित मेरा भाई। समर परवेज, समर हौसला करो परवेज, बताओ इनके साथ कैसे हैं? ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। हाँ ट्रीटमेंट चल रहा, अल्लाह का शुक्र है, सर पर चोट नहीं आई कोई। लेकिन लेकिन उसकी टांगें अजित आपको
मैं केस कर दूंगी। बोलेंगे कि जायदाद के लिए ना जान के आदमी एक्सीडेंट करवाए, हरा खर्चा करे मेरा भाई, परमिशन क्लाइम करेंगे ये? अच्छा काम ना देखने तो दीजिए। रेहान बेटा, मेरे ख्याल से ये जॉइंट रिसेप्शन और मेहंदी ठीक रहेगी। देखो ना, वैसे भी एक ही तो खानदान है, तो मेरा ख्याल है कि यही बेहतर है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे भी वलीमे का फंक्शन तो हमें वापस जाकर करना ही है। और देखो बेटा, बजट की बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं हूं ना, घर की बात है यार। कैसी बातें कर रहे हैं खालू, शर्मिंदा कर रहे हैं अब आप मुझे। बस मैं बड़ा हूं ना, जो मैं कह रहा हूं वो करो। चलें, जैसे आपकी खुशी। कौन है भाई? मैं एक सेकंड आता हूं। देख, अभी आप मारिय से बात की है? की तो है, लेकिन मुश्किल है, जो आप चाह रहे हैं वो हो नहीं सकता। लेकिन ऐसा तो यहाँ पे नॉर्मल है, और मेरा निकाह हुआ है मारिय से, और मैंने मजीद अब अम्मी से इस बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहता। तो मारिया को भी तो थोड़ी एक्साइटमेंट शो करनी चाहिए ना। हेलो एवरीबॉडी। हेलो, क्या भाई तुमने निकाह कर लिया, शादी प्लान कर रही हो और मुझे बताया तक नहीं? मुझे तो लगा था कि ये दोस्ती जो है आगे जाके प्यार में तब्दील हो जाएगी। तुमने मुझे धोखा दे दिया ना। बस चुप कर जाओ, एक लफ्ज और ना बोलना। नहीं आए थे ना तुम मेरी शादी में? क्या यार पप्पू, एक मेरी जोड़ की थी, आपने उसको बहू बना लिया, और एक की अब शादी कर रही है, अब मैं क्या करूं, मर जाऊं? ये लड़का कौन है? अरे जवाद, अपने अनवर भाई का बेटा। बहुत अच्छे दोस्त हैं जी। अरे अरे क्या हो गया? लिबा भाभी, हम सब घूमने जाते हैं, बस आप एक काम करेगा, आप मारिया को ना मेरी गाड़ी में बिठा देगा। मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच भाभी, एक तो मुझे यंग भाभी मिलने का ना ये बहुत फायदा हो रहा है। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। अरीबा, रेहान, क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? अम्मी बुला रही हैं तुम्हें। मैं आती हूँ। नूर भी उड़ गई है सोके। सॉरी फाद, अब तो नूर के सोने तक पॉसिबल नहीं होगा, वैसे भी मुझे मुश्किल ही लग रहा है। लेकिन एक काम तो कर सकती है ना, मारिया को बोले एटलीस्ट वो मेरे से बात तो करें, हम चैट तो कर सकते हैं ना।
मैं उसे बोल दूंगी, अब आगे उसकी मर्जी। थैंक यू सो मच। चलिए पहले तुमने खुद उनको आने से मना किया और अब तुम मुझे ही ताने दे रही हो। तो और किसे दे? ए? तुम्हारे घर वालों को कभी हुई है तुम्हारी परवाह? तुम्हारे अस्पताल की बिल, तुम्हारे बीवी बच्चों का खर्चा सभी हमारे भाई ने किया है। अरे वो सब कुछ करने को तैयार थे, बस तुम्हारी बदतमीजी और अकड़ से डर के हॉस्पिटल तक नहीं आए। उन्हें पता था तुम बदतमीजी करोगी, अकड़ दिखाओगी। अरे मैं आना नहीं चाहता था, मैं अपने घर जाना चाहता। अपना घर? अपने अब्बा का घर? मेरा तो दम घुटता है, तड़कों की तरह पता नहीं एक ही कमरे में कैसे रहते हैं वो सब। इज्जत से रहती हैं मेरी सारी भाभियां, जैसे शरीफ घर की लड़कियां रहती हैं। हम तो किसी गिरे पड़े घर के हैं ना। वैसे एहसान फरामोशी करना ना कोई आपसे ही सीखे इनके सारमिया। दोबारा चलना भी शुरू नहीं किया और जबान की तो कैंची की तरह चल रही है। ठीक है, अकेले पड़े रहो यहाँ पे, हमें बात ही नहीं करनी आपसे। हम ना बच्चों के साथ चले जाएंगे अम्मी के कमरे में। आओ बेटे, नानी के पास चले। छोड़ दो ये सब, छोड़ दो इनको। आपने मुझे किसके साथ बांध दिया? देखें, एक दूसरे से मिलने के लिए तरस रहे हैं हम। हाँ भाई, ये देखो निहारी लाया, ने सोचा दोनों भाई। थैंक यू भाई। आराम से आराम से। थैंक यू यार। थैंक यू किस बात का? कितनी मरतबा तुमसे गए बीवी का भाई नहीं अपना बड़ा भाई समझो, दोस्त समझो अपना। दोस्त तो तुम हो। शुक्र है खुदा का तुम ठीक हो। जब एक्सीडेंट का पता चला तो हम आगे तुम जान ही नहीं कंप्लीट, और फिर जब तुम्हें ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते देखा तो समझो जो बाकी सारी उम्मीद थी ना वो भी खत्म हो गई। घबरा तो मैं भी गया था, मुझे तो लगा था कि शायद मैं अपने बीवी बच्चों को दोबारा देख ही नहीं सकूंगा, लेकिन अल्लाह ने करम किया है। चोट तो लगी है लेकिन इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएगी, अल्लाह का शुक्र है। इसी खुशी में ये निहारी लाया हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारी फेवरेट। लग अच्छी रही है, साथ खाएंगे? बस टूट पड़ो इस पे तो आप। यकीन नहीं आता कि बेबी और अजित सगे भाई बहन, एक ही माँ ने पाला है इन्हें। अब तुम भी तो लो ना। हाँ मैं लेता हूँ। पीटर, चिटू सीटर, एक मिनट माया, बाहर मत जा। क्यों बाहर? ये लोग हैं इंतजार कर रहे हैं। वो इसलिए कि बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं खुद इतनी नर्वस हूँ, पहले तो फहद से बात हो जाती थी लेकिन अब तुम जानती हो ना सब कुछ मेरे लिए कितना नया है। मुझे पता ही नहीं है कि मैं ये सारी सिचुएशन कैसे हैंडल करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इतनी कन्फ्यूजन है। इसीलिए तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। नमो खाला ने बातों में साफ साफ जाहिर कर दिया कि उन्हें ये लड़का लड़की का शादी से पहले मिलना, फ़ोन पर बात करना ये सब नहीं पसंद। शायद वो पोजेसिव है फहद को लेकर, इकलौता बेटा भी तो है ना। शुक्र है वो तो मैंने फहद से बात नहीं की, क्योंकि मुझे आइडिया था ना कि नमो खाला और अम्मी को ये बातें पसंद नहीं होंगी। अच्छा ओके, अब देखो वो अपने बेटे की गलती थोड़ी ना मानेंगे, सारा इल्ज़ाम तुम पे आ जाएगा, कहेंगी लड़की कितनी मॉडर्न है। नहीं तौबा, मैं फहद को साफ साफ कह दूंगी कि नमो खाला ने मुझे कहा कि मैं तुमसे बात ना करूँ, है ना। पागल हो गए तुम, नमो खाला का नाम मत लेना। देखो अगर तुमने नमो खाला का नाम लिया तो हो सकता है कल को हाथ से उनको ये बात पता चल जाए, फिर क्या कहेंगी? वो कहेंगी लड़की को देखो शादी से पहले ही माँ बेटे को लड़वा रही है। और देखो मैं कितनी पावन हूँ, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं होती तो यहाँ मुझे तो समझ ही ना आती कि क्या करना है। तो मुझे बताओ ना कि मैं अब क्या करूँ आगे। देखो तुम ना फहद से रिजर्व रहो, डिस्टेंस रखो उससे, कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है मैसेज या कॉल पे। हाँ तो
अगर वो मुझसे पूछेंगे कि मैं इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही हूँ तो मैं क्या बोलूँगी? तो किसी का नाम नहीं लो, कह दो कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं पसंद। लेकिन क्यों? तो तुम सवाल बहुत करती हो। देखो खाला अम्मी का सोचो, अगर नायमा खाला ने खाला अम्मी से कुछ कह दिया तो तुम सोचो खाला अम्मी की आजकल बात बात पे तबीयत बिगड़ जाती है। खुदा ना खास्ता खाला अम्मी को कुछ हो गया तुम नहीं, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा ना। नहीं देखो अम्मी बेचारी कि तो तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती, मैं एक काम करूँगी खुद पर रख के फहद को मना कर दूँगी, है ना? गुड, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें समझदारी दिखानी होगी। तुम्हें पता है लड़कों को कहाँ इस बात की सेंस होती है। थैंक यू भैया, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अच्छा सुनो, तुम नूर के पास रुको, मैं बाहर जाती हूँ। नम्मो खाला माइंड करेंगी मैं तुम्हारी भाभी हूँ और ऐसे कमरे में घुस के बैठी हुई हूँ, मैं जाके मिल के आती हूँ। हाँ तुम नूर के पास ही रहो। मारिया किसी और को पसंद करती है? नहीं नहीं, करती है नहीं, करती थी, अब नहीं करती। तो तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता था तो तुमने इफ़त खाला और रेहान को क्यों नहीं बताया? उसे तो पता ही नहीं था, उसे तो अब पता चला है जब जवाद आया। जवाद आया? जवाद और मारिया एक दूसरे को पसंद करते हैं? सेफन बाजी, आपकी बहू है बहुत प्यारी, कम उम्र है मगर बहुत ही समझदार और प्यार करने वाली। नायमा मुझे तो बहुत डर था कि कहीं आखिरी वक्त में अरीबा मना ना कर दें, लेकिन मैंने भी खावर और नगू को साफ कह दिया था, अगर अरीबा और रेहान की शादी ना हुई ना तो मैं नूर को ले लूँगी और रेहान की दूसरी शादी करा दूँगी, फिर ये सब मिलना जुलना खत्म। क्या करें, औलाद के लिए खुद अर्ज होना पड़ता है। जो वो उसे बुला देना, लेकिन अच्छा ही हुआ ना, रेहान और अरीबा कितने खुश हैं और फिर फहद और मारिया की कितनी प्यारी जोड़ी है माशाल्लाह से। खाला मी नूर सो गई है। नमो खाला आपके लिए क्या लाऊं, कॉफी पियेंगी? हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, अभी लेके आती हूँ। खाला अम्मी, डायन भी साथ घर छोड़ देती है। मुझे तो आप ये कहकर लाई थी कि खाला से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, भूल गई कि आप भी मेरी खाला थी, बस अपनी बेटी याद रही। भैया कहाँ है ये लड़की, कब से फहद की नज़रें उसी को ढूंढ रही हैं। बदतमीज, ऑनेस्टली एक दो बार तो मैंने पकड़े उन्हें, तो लगता है तुझे भाई बहुत रोमांटिक है। हाँ लेकिन मारिया नहीं है ना, और यूँ सबके सामने अच्छा नहीं लगता, इसलिए बेचारी मेरे रूम में बैठी है। तो वो रूम में छुप के बैठी हुई है? हाँ तुम जाओ ना उसके रूम में चले जाओ, बेचारी को थोड़ी कंपनी दे दो, मैं तो बहू ऑफ द हाउस की ड्यूटी पे हूँ ना। ऐसी सिचुएशन में उसको तंग करने में ना बड़ा मजा आएगा। लाइक कॉफी दे मुझे। नहीं। ये दोनों कब से? नहीं। चले। बैठे बैठे। भाई नईमा, रेहान को गार्डनिंग का बहुत शौक है, बहुत खूबसूरत फूल लगे इनके। अच्छा भाई मुझे भी रेहान बहुत शौक है, यूँ समझो कि अपने घर के लॉन को अपने हाथों से सजाया। खाला शौक तो सोबिया का था, मैं तो बस उसके लगाए हुए पौधों का ख्याल रखता हूँ। मारिया कहाँ है? असल में
जवाद आया हुआ है ना कराची काफी दिन बाद, तो मारिया उसी के साथ है। चार बैठ के वहीं बातें कर रहे हैं, कॉफी भी साथ ही पी रहे हैं। असल में जवाद और मारिया की बहुत दोस्ती है, हम उम्र जो ठहरे इकट्ठे बड़े हुए हैं। अम्मी और बेबी ठीक कह रही हैं, साथ रहने में क्या हर्ज है? लेकिन अजय, उसको साथ रहना नहीं है, उसे प्राइवेसी चाहिए, और उसे प्राइवेसी यहाँ मिलेगी नहीं। अरे वो तो हम तुम्हारे घर के लिए कह रहे थे, हमें पसंद नहीं है ना कभी भी जॉइंट फैमिली में रहना, भाभी तुम्हारी हर वक्त तो कॉम्पिटिशन में लगी रहती थी हमसे। अरे तो फिर यहाँ पे भी तो यही होगा ना, तो इससे बेहतर ये है कि हम अपने घर चले जाएं। यहाँ यहाँ क्या बेचारी हमारी वालिदा हमें नीचा दिखाएंगी। अजीब ना, तुम भी जब पे कोई बात करना बेतुकी ही करना। अरे वहाँ मेरी भाभियाँ हैं अगर, तो कल यहाँ अजद की बीवी होगी, तुम्हारी भाभी होगी, वही सब कुछ होगा। शादी तो होनी है ना तुम्हारी? नहीं, मतलब हाँ अभी हम चाह रहे हैं, पर अम्मी ना सोच रहे इस दफा लड़की जरा देख भाल के फिर ही करे, तो उसमें टाइम तो लगेगा ना। यार इंकिसार, मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार आदमी हो, यहाँ रहना तुम्हारे ऑप्शंस में कभी भी नहीं था, लेकिन प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अम्मी को अकेला मत छोड़ना। हजरत क्या कहना चाहते? मुझे अबू धाबी के एक पेट्रोलियम फर्म से जॉब ऑफर आई है। ये? जाने के यहाँ सब छोड़ छाड़ कर चले जाओगे तुम? जब यहाँ इतनी अच्छी जॉब चल रही है तो फिर सबको छोड़ के जाने की क्या जरूरत है? यहाँ से 10 गुना अच्छी सैलरी और पोजीशन है, और फिर इंटरनेशनल फर्म है। ओह ये तो ठीक है, जरूर जाओ, और अम्मी की फिक्र बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, यार इंकसार है ना। थैंक यू बेबी। अम्मी आप प्लीज परेशान मत होइए, बस चंद साल की बात है और अबू धाबी ज्यादा दूर नहीं है, हर 2-3 महीने में मिलने आता रहूंगा आपसे। अच्छा बेटा, दिल तो नहीं मान रहा, तुम फैसला कर चुके हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां करे। आमीन। कब ज्वाइनिंग करनी है? जाना तो फौरन चाहता हूँ, लेकिन 2-3 महीने लगेंगे। क्यों फौरन क्यों, इतने बुरे लग रहे हैं, इतना काट रहे हैं तुमको? तुम लोगों को बहुत मिस करूंगा, बस अब यहां दिल नहीं लगता मेरा। एक्सक्यूज मी। एक तो अजद ना हमेशा से ये इतने सेंसिटिव रहे हैं ना, अच्छा है बाहर जाए देखिए जरा वहां कैसे हंसते खिलते तलाक तक हो जाते, ये अभी तक क्यों मजनू मैंने फिर रहा। इससे तो अच्छा था हम अपनी पसंद की लड़की से इसकी शादी करा देते, साथ भेज देते दुल्हन को। क्यों, लड़की है वो, कोई सूटकेस नहीं, साथ भेज देते। चुप रहिए, कोई जरूरत नहीं इस बारे में बात करने की। क्या ऐसे टुकड़ टुकड़ देख रहे हैं हमें बार बार? हेलो मारिया, आजकल ऐसा कौन करता है? लोग तो लव मैरिज करते हैं, मैं तो फिर भी अरेंज मैरिज के बाद ये सब कुछ कह रहा हूँ, तो कोई गलत बात कह रहा हूँ? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, यहाँ पे ये सब कुछ अच्छा नहीं समझा जाता। बेकार की बातें मत करो, रेहान भाई की भी लव मैरिज हुई थी। वो सो गए भाभी तो आपसे मिलते थे। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, इफ्फत खाला अगर नहीं मान रही तो मैं रेहान भाई से भी कह सकता हूँ। नहीं नहीं प्लीज, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता बस। तुम कुछ भी कहो, मैं और मारिया नीचे आना। हल्दा यार,
अरे इनमें से देख लो अगर कोई पसंद आता है तो, वरना कल शॉप पर आ जाना, मैं ऑफिस से आ जाऊंगा, घर आया तो देर हो जाएगी मुझे। अरे नहीं बेटा, दोबारा जाने की क्या जरूरत है, उससे वक्त बच जाएगा। मारिया तुम और अरीबा देख लो बेटा, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का गिफ्ट है। हमीद आप देख लें, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे मैं वो सेटलिन होगी। ये क्या बात हुई, उन्होंने पहना है या तुम्हें, तुम सिलेक्ट करो ना। अच्छा ठीक है फिर। अम्मी ये कैसा है? बहुत अच्छा है भैया, कभी खुद भी कुछ कर लिया करो। खाला में ये वाला देखें। हाँ वो भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। ये तो है ही बहुत प्यारा। हेलो जी फात भाई। भाभी आप इस लड़की को समझाएं, आखिर इसे इशू क्या है, शोहर होने के बावजूद भी उसको मेरे पर ट्रस्ट ही नहीं है। वो तो मुझे ऐसे फील कराती है जैसे मैं कोई फ्लर्ट कोई आवारा हूँ। दिस इज वेरी इंसल्टिंग। क्या बताऊँ आपको, ये बातें फोन पे नहीं हो सकती ना, मिल के बताऊंगी। हाँ ओके लेट्स मीट। ओके अभी बात हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। आप एक काम करें, आप इस वक्त घर आ जाएं। फोन पे बात नहीं हो सकती? नहीं नहीं असल में ऐसी बातें आमने सामने हो तो ज्यादा बेहतर रहता है ना। ओके मैं आता हूँ। ओके हेलो हेलो जवाद, मेरा एक काम कर दोगे प्लीज? हाँ बोले। तुम ना मारिया को कॉलेज से पिक करके घर ले आओ। क्यों? तुम तो जानते हो उसको, जरा जरा सी बात पे डर जाती है। अचानक से रिश्ता हो गया है इसलिए नर्वस हो गई है ना। उस वक्त घर पे कोई भी नहीं है, मैं और तुम मिलके बताएंगे उसको, समझाएंगे तो रिलैक्स हो जाएगी। ओ आई सी, कितने बजे क्लास खत्म हो रही है इसकी? 1 बजे फ्री होगी। अच्छा ठीक है चले, मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको पिक कर लेता हूँ और फिर उसका फेवरेट चाइनीज भी ले आऊंगा। हमारी मारिया कब बड़ी होगी? हाँ ना तुम तो जानते ही हो उसको, आजकल की लड़कियाँ कितनी तेज हैं और हमारी मारिया उतनी ही मासूम। हमारी बावली मारिया, चलिए आप फिकर मत करें, डोंट वरी आई पिक हर अप। ओके ऐसे ये आज तुम कैसे मुझे पिक करने आ गए हो? यार सोचा थोड़े से दिन रह गए तो क्यों ना मारिया के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए। लंच कर लेंगे, सीक्वेंस खेल लेंगे, फिर कोई हॉरर मूवी देखेंगे जिसमें बदरू की शक्ल ना बिल्कुल तुम्हारे फहद से मिलती हो। एक्सक्यूज मी, बिल्कुल भी नहीं, वो तो इतने हैंडसम है। क्या बात है लड़की, बड़ा प्यार है। वो तो है तो लाइफ कितना तंग करते हो तुमने से जवाब। यार मुझे तुम्हें तंग करने में ना बहुत मजा आता है सीरियसली। अच्छा आप जल्दी ड्राइव करो, अम्मी घर पे वेट कर रही होंगी। चलो बस ऑलमोस्ट घर पहुंच गए। क्या हुआ? हमें तो बहुत परेशानी हो रही है, ऐसा लग रहा है असलियत यहाँ से भाग रहा है। ओ हो खाम खा हलकान हो रही है,
कुछ नहीं है ऐसा। और पता है क्या, किसार बता रहे थे कि असजद की जॉब बहुत ही अच्छी और पोजीशन तो बहुत बड़ी, तनख्वाह कम से कम 30-40 लाख होगी। है इतनी? जी, इसीलिए कह रही हूँ कि असजद को 3-4 साल आराम से वहाँ जॉब करने दीजिए। वहाँ रह के अंबर भी दिल से उतर जाएगी और हम यहाँ देखभाल के कोई अच्छी सी लड़की भी पसंद कर लेंगे। हाँ, क्या तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, पर अब असजद की उम्र भी तो हो गई है ना। मर्दों की उम्र कौन देखता है, पोजीशन और स्टेटस देखा जाता है। खुद सोचे, असजद का पैसा और उसकी पोस्ट देखकर खानदान में आपकी क्या शान होगी। आजकल तो सभी पैसे को सलाम ठोकते हैं। अरे, सलाम का जवाब देती है हमारी जूती। बस तो अब यही करना है, इसीलिए कह रही हूँ कि असजद को खुशी के साथ जाने दीजिए, वहाँ जाके सब भूल भाल जाएंगे, आप यहाँ मामू ममानी को नीचा दिखा सकेंगे। और मैं भी तो देखें ना, असजद के जाने की वजह से ही तो इंकसार ने यहाँ रहने में हामी भरी है, वरना उस दो कमरे के फ्लैट में तो मैं घुट घुट के ही मर जाती। अब मैं और बच्चे आपकी आंखों के सामने तो होंगे। हो तुम सीधी सादी, पर बात कल की करती हो। बिया, तुम कजन भी हो और भाभी भी हो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे कैसे बात करूं। मारिया को कुछ रवैया ठीक नहीं है। कौन लड़की निकाह होने के बाद भी ये कहती है कि वो नहीं मिल सकती, उसको परमिशन नहीं है, बात नहीं कर सकती। वही लड़की जिसका रिश्ता जबरदस्ती तय हुआ। क्या मतलब? तेरी बात, तेरी क्या कहूँ अब? मेरी तो यही दुआ है कि आप और मारिया शादी के बाद हमेशा खुश रहें। लेकिन आप खुद समझदार हैं, जब कोई किसी और को पसंद करता है और रिश्ता कहीं और तय हो जाए तो एडजस्ट होने में टाइम तो लगता है। एक मिनट, क्या मतलब? मारिया किसी और को पसंद करती है? नहीं नहीं, करती है नहीं, करती थी, अब नहीं करती। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे। जब तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता था तो तुमने इफ़त खाला और रेहान को क्यों नहीं बताया? तुम्हें शादी कैसे होने दी है? उसे तो पता ही नहीं था, उसे तो अब पता चला है जब जवाद आया। जवाद आया? जवाद और जवाद और मारिया एक दूसरे को पसंद करते हैं? अब मैं क्या करूं? देखिए फाद, इतना ओवर एक्ट करने की जरूरत नहीं है। मारिया बहुत अच्छी और बहुत सिंपल लड़की है, वो ये सब कुछ भूल जाएगी। हम लड़कियां होती ही ऐसी है, बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाती है, जैसे मैंने कर लिया। मुझे इतना सरप्राइज कौन देता था? हेलो हेलो, अरे वाह, बहुत भूख लगी है। अरे वेरी गुड, आपके सुपरस्टार भी आए हुए हैं यहाँ पे। अब पता चला कि आपको इतनी जल्दी क्यों थी आने की। चुप करो पागल, कुछ भी बोलते हो। मारिया, तुम तो वैन से आती हो ना? एक्चुअली मैं रोज वैन से ही आती हूँ, पता नहीं ये स्टूपिड कैसे मुझे पिक करने आ गया आज। अरे भाई, तुम्हें तो सरप्राइजेस पसंद है ना, तो सरप्राइज दे दिया ना तुम्हें मैंने। हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा सरप्राइज। बस अच्छा, मैं चलता हूँ, तुम लोग फिर। अरे फाद भाई, हमारे साथ लंच करके जाए ना। फिर नहीं नहीं, आप लोग कंटिन्यू करो, मैं चलता हूँ। तुमसे मिलने आए थे, तुम्हें देख लिया, तसल्ली हो गई, इसलिए हम चले गए। यानी हमारी नाक के नीचे हमारी बच्ची की लव स्टोरी चल रही है?
और हमें पता तक नहीं है। देख रही हो ना रीवा तुम्हें सर क्या। चलो